हेलो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आपका एमके फौजी और आप देख रहे हो अपना ऑफलाइन गवर्नमेंट जॉब 2024 यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो हम बात करेंगे दोस्तों जो रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज का ऑफलाइन फॉर्म कैसे भरना है। जी हां साहिबान, इसके वीडियो के अंतर्गत आपको मैं पूरा फॉर्म भर के बताऊंगा। साथ ही दोस्तों लिफाफे दो भरने पड़ेंगे, दोनों आपको भर के बताने वाला हूं कि कैसे आपको भरना है और कहां टिकट लगनी है, कितने की टिकट आपको लगानी होगी। तो सबसे पहले एक बार हम इसकी रिक्रूटमेंट जान लेते हैं कि कितने पद इसमें आने वाले हैं और क्या इसकी रिक्रूटमेंट होने वाले हैं। तो सबसे पहले ये वैकेंसी आई कहाँ, तो दोस्तों डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज के अंतर्गत ये वैकेंसी आई है। आई कहाँ पे दोस्तों, वेलिंगटन के अंतर्गत ये वैकेंसी आई है। बात करें इसकी लास्ट डेट की, तो दोस्तों 30 मार्च 2024 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज की इस वैकेंसी के अंतर्गत मल्टीटास्किंग स्टाफ की पदों के लिए भर्ती की जा रही है। दोस्तों महिला और पुरुष आवेदक इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको 6 टोटल पोस्ट के लिए वैकेंसी करी गई। लेकिन साहिबान, उससे पहले अगर आप सबने दोस्तों जिला न्यायालय पलवल का ऑफलाइन फॉर्म नहीं भरा तो जाके इसका भी फॉर्म जरूर भरिए, क्योंकि इसके अंतर्गत भी क्लर्क, ड्राइवर, स्टेनोग्राफर के पदों पर 37 पदों पर वैकेंसियां आई है। जो आरटी पास से लेकर स्नातक पास कैंडिडेट इसमें आवेदन भर सकते हैं। उसकी भी लास्ट डेट 31 मार्च 2024 रखी गई है। जो भी आवेदन फॉर्म भरना चाहते हैं वो हमारा पूरा वीडियो चेक कर सकता है और अपना आवेदन भर सकता है। बात करें इस वैकेंसी की दोस्तों, इस पर टोटल 6 पोस्ट आपकी रहने वाली हैं। इसके अंतर्गत आपसे ऑफिस और ट्रेनिंग एरिया के अंतर्गत काम करवाया जाएगा। एज आपकी 18 साल से लेकर 25 साल होनी चाहिए। वेतन आपका 18,000 रुपये से लेकर 56,900 होना चाहिए। योग्यता आपकी 10th पास रहने वाली है। इसके अंतर्गत आपकी जो एज की गणना है वो 30/3/2024 के अनुसार ही की जाएगी। इसके अलावा आपको भेजना कहाँ पे है अपना ऑफलाइन फॉर्म, ये मैं आपको भर के बता दूंगा, तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके दोस्तों और भी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रहने वाले हैं उसकी जानकारी आपको मैं दूंगा, लेकिन एक बार दोस्तों आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको भर के मैं बता देता हूँ। तो सर्वप्रथम दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आपको 2 पेज का नोटिफिकेशन मिलने वाला है। उसके ऊपर आपको लिखा हुआ मिलेगा एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑफिस एंड ट्रेनिंग। इसके अंतर्गत आपको दोस्तों पूरा फॉर्म ही कैपिटल लेटर के अंतर्गत भरना होगा। इसके अंतर्गत आपको जो राइट साइड के अंतर्गत क्या बोला गया है दोस्तों, अपेक्स फोटो, यानी आपकी यहाँ फोटो चिपकाना है विथ दोस्तों सेल्फ अटेस्ट। उस फोटो चिपकाने के बाद उसको सेल्फ अटेस्ट भी करना है, यानी उसके ऊपर आपका सिग्नेचर होना चाहिए। पासपोर्ट साइज की दोस्तों जो फोटो आप चिपकाओगे वो नवीनतम 3 महीने के अंतराल की होनी चाहिए। अभी बात करते हैं दोस्तों, आपका नाम भी कैपिटल लेटर के अंतर्गत भरना है। इसके अलावा दोस्तों इसमें एक और बात बोली गई है कि आपका नाम दोस्तों जो 10th की मार्कशीट में है वही नाम आपको इसमें भरना है, यानी उसी तरीके से भरना है। कई बार आपको दोस्तों लोग किसी और नाम से पुकारते हैं और वही नाम आप एप्लीकेशन फॉर्म में भर देते हैं और बाद में जाके प्रॉब्लम होती है। उसके बाद में आपके पिताजी या आप जो महिला आवेदक अपने हस्बैंड का नाम लिखना है। डेट ऑफ बर्थ में आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है 10th की मार्कशीट में उसको अनुसार आपको इसमें लिखना है। इसके अलावा जो आपकी एज की काउंटिंग है लास्ट डेट के अनुसार आपकी कितनी हो जाएगी, जैसे हमारी हो गई 25 ईयर 7 मंथ्स 12 दिन, सेम आपको दोस्तों काउंटिंग करके यहाँ पर लिखनी होगी। उसके बाद में दोस्तों नंबर 5th कॉलम के अंतर्गत आपको कौन सी कैटेगरी आपकी UR, OBC, SC, ST उसकी जानकारी आपको देनी होगी। उसके अलावा अगर आप एक सर्विसमैन है तो यस कर देना, अदरवाइज नो कर देना है। उसके बाद में दोस्तों आप PWBD कैंडिडेट है तो यस कर दीजिए, अदरवाइज खाली नो कर देना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जानकारी यहाँ पे देना है, तो 10th अगर आपने कर रखे तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के आगे 10th क्लिक करना है और नीचे आपको पूरी डिटेल देनी है दोस्तों, ईयर ऑफ पासिंग आपकी कौन सी है, साथ ही दोस्तों आपने कितने मार्क्स प्राप्त किए थे, कुल कितने मार्क्स थे, साथ ही आपके परसेंटेज कितने आए थे, ये आपको जानकारी लिखनी है। रिमार्क्स में आप हिंदी या इंग्लिश मीडियम लिख सकते हो, अदरवाइज आप मेरी तरह खाली भी छोड़ सकते हो। एक्सपीरियंस आपको कोई है तो आपको यस कर देना, अदरवाइज खाली छोड़ देना है। उसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट के अंतर्गत आपको जो फॉर्म है वो नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट पेज के अंतर्गत दोस्तों नंबर 10th कॉलम बोला गया है कि अगर आप दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करते हैं या परमानेंट एम्प्लॉय है तो प्लीज़ आपको प्रोवाइड करनी है जो भी आप इन्होंने डिटेल मांगी है। लेकिन हम एम्प्लॉयमेंट नहीं है, फ्रेशर कैंडिडेट है, तो इसमें हमारा कोई काम नहीं है। हम चलते हैं 11 नंबर कॉलम के अंतर्गत। इसमें आपका मोबाइल नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर मांगा गया है, तो आपको यहाँ पर सिंपली मोबाइल नंबर आपको डाल देना है। इसके अलावा दोस्तों आपको एक बात मैं और बता दूं कि आपका जो ये फॉर्म आपको मिलेगा वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा बिना किसी कॉस्ट के, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जुड़ सकते हैं और वो तो वहाँ पे आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्ट व्हाट्सएप जुड़कर फॉर्म ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों नंबर 12 में आपको आधार नंबर भरने हैं और उसके अलावा दोस्तों कॉपी भी आपको डॉक्यूमेंट्स के साथ डालनी होगी।
13 नंबर कॉलम के अंतर्गत आपको मोल ऑन फेस जो आइडेंटिफिकेशन मार्क है आपके शरीर के ऊपर वो आपसे पूछा गया है, तो दो आपको किसी न किसी ढूंढ के आपको डालना है। जैसे हमारे निशान है चेहरे के ऊपर तो वो डाल दिया, स्मॉल कट ऑन राइट एंड जो थोड़ा सा कट है हमारे राइट एंड के ऊपर तो उसको हमने यहाँ पर लिख दिया। आपके जो भी निशान है वो आपको अंग्रेजी के अंतर्गत बड़े अक्षरों में लिखना है। उसके बाद में दोस्तों एड्रेस ऑफ करस्पॉन्डेंस एड्रेस इन कैपिटल लेटर, जो भी आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस या परमानेंट एड्रेस है, तो हमारा तो दोनों सेम है तो हमने सिर्फ एक एड्रेस लिख दिया, लेकिन आपको अगर दोनों भी सेम है तो दोनों एड्रेस आपको लिखना होगा। एड्रेस आपको दोस्तों जो एड्रेस लाइन लिखा हुआ है वहाँ पर दोस्तों आपका डिस्ट्रिक्ट नहीं लिखना है, वहाँ पे विलेज लिख सकते हो या पोस्ट लिख सकते हो। ताल्लुक आप कहाँ से करते हो, तो हमने कुचामन सिटी से ताल्लुक कर रहे तो कुचामन सिटी लिख दिया, डिस्ट्रिक्ट आपका नागौर हमने लिख दिया, पिन कोड डाल दिया, स्टेट हमने डाल दिया। उसके बाद में दोस्तों परमानेंट एड्रेस भी अगर सेम है तो यहाँ पे सेम कर देना एज ए अबव, फिर आपको आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में ईमेल आईडी के अंतर्गत आपकी जो भी ईमेल आईडी है वो यहाँ पे आपको भर देनी है। और दोस्तों इसको डिक्लेरेशन फॉर्म आपको बोला गया है कि इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद दोस्तों राइट साइड के नीचे आपको सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट मिलेगा, वहाँ पे आपका सिग्नेचर कर देना है। प्लेस में आपका प्लेस डालना है कुचामन सिटी या कुचामन। उसके बाद में आप जो डेट को भेज रहे हो फॉर्म उस डेट को यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद में चलते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लिफाफा भर लेते हैं। तो लिफाफे दोस्तों आपको दो भरने पड़ेंगे, दोनों कैसे भरने वो अभी आपको मैं बता देता हूँ। जो एडमिट कार्ड वाला लिफाफा रहेगा वो बाद में भरेंगे, पहले हम बड़ा वाला लिफाफा भर लेते हैं। तो दोस्तों उसके ऊपर सबसे ऊपर आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मल्टीटास्किंग स्टाफ, आगे कैटेगरी लगा के आपकी कैटेगरी लिख देने हैं। उसके नीचे दोस्तों टू लगा के लिखना है आपको द कमांडेंट डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन नीलगिरीज, पिन आगे लिखना है 2643231 तमिलनाडु, ये एड्रेस लिख देना है। उसके नीचे आपको फॉर्म लगा के खुद का एड्रेस लिखना है, अगर यहाँ पे जगह बसती है तो आप इस यहाँ लिख सकते हो, अदरवाइज आप बैक साइड के अंतर्गत भी लिख सकते हो। यह एड्रेस लिखने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, सारे डॉक्यूमेंट्स जो अभी मैं बताऊंगा आपको सारे डॉक्यूमेंट्स इसी के अंतर्गत आपको डालने हैं विथ आपके सिग्नेचर के, यानी आपके सिग्नेचर सारे डॉक्यूमेंट्स की कॉपी के ऊपर आपको करने हैं। कॉपीज भेजनी है दोस्तों, मूल डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं भेजने हैं। यहाँ पे आपको डाक टिकट लगाना है, वो भी अभी बताऊंगा। लेकिन दोस्तों जो एडमिट कार्ड वाला लिफाफा रहेगा जिसमें आपका एडमिट कार्ड आएगा उसके अंदर का आपका खुद का एड्रेस लिखना है, टू लगा के आपको पूरा एड्रेस लिखना है विथ मोबाइल नंबर के। उसके बाद में दोस्तों ये लिफाफा भी आपको बड़े वाले लिफाफे में डाल देना है। और डाक टिकट की बात करें तो 26 रुपये का डाक टिकट दोस्तों इस लिफाफे पर डालना है जो एडमिट कार्ड वाले लिफाफा रहेगा छोटा वाला उसके ऊपर। और बड़े वाले की बात करें तो आप दोस्तों इसको स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजिए ताकि जल्दी से पहुंच जाए आपके दिए हुए टाइम के अनुसार। इसके अलावा ऑफलाइन फॉर्म कैसे भेजते हैं, तो डाक ऑफिस के अंतर्गत जाके आप स्पीड पोस्ट करा सकते हैं, आगे कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। बात कर लेते हैं अभी आपके डॉक्यूमेंट्स और दोस्तों इंपॉर्टेंट जानकारी की, तो दो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या रहेगी, आपकी जो भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट है अगर आपने 10th कर रखी है, 12th कर रखी है या हायर कर रखी है तो सारे डॉक्यूमेंट्स आप भेज सकते हो। उसके बाद में जन्म प्रमाण पत्र के लिए 10th के मार्कशीट तो कंपलसरी आपको भेजना पड़ेगा। मूल निवास जाति प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी अगर आप आरक्षित वरक्षित फॉर्म भरना चाहते हो तो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। आधार कार्ड आपको पक्का डालना है, वोटर कार्ड या अन्य आईडी में से कोई एक आपको भेजना होगा। एक स्वयं का पता लिखवा, जो मैंने एड्रेस बताया था छोटा वाला लिफाफा उस पर 26 रुपये का डाक टिकट हमने लगा दिया ऑलरेडी। दो अतिरिक्त पासपोर्ट साइज की फोटो भी दोस्तों लिफाफे के अंतर्गत डालना है जो बड़ा वाला लिफाफा उसमें, ताकि एक दोस्तों आपके एडमिट कार्ड के रूप में लग के आ जाए और एक उनके पास रह जाए। अनुभव प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि यदि आपके पास है तो भेज दीजिएगा। दिव्यांग भूतपूर्व सैनिक होने पर अगर आपके पास दोस्तों आप डिसेबिलिटीज पर्सन हैं या दोस्तों एक सर्विसमैन हैं तो आपको उसका प्रमाण पत्र भेजना होगा। नेक्स्ट के लिए दोस्तों आपको मैं बता दूंगा कि उपरोक्त पदों के लिए सामान्य अपिवर्ग SC ST वर्ग में आप आवेदन करना होगा। इसके अलावा दोस्तों आवेदन पत्र को सभी कॉलम स्पष्ट और अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में भरना है, यह मैंने पहले ही बता दिया था। साक्षात्कार या आवेदकों को ही परीक्षा या कोलेटर के लिए आपको एडमिट कार्ड आ जाएगा, जैसे कि परीक्षा का दोस्तों डेट रिलीज होगा आपको एडमिट कार्ड आ जाएगा, उसकी कोई परेशानी आपको लेने की दिक्कत नहीं है। इसके अलावा दोस्तों और सारी जानकारी अगर आप चाहते हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। तो जैसे ही आपको 30 मार्च 2024 से पहले पहले आपका एप्लीकेशन पोस्ट पहुंच जाना चाहिए दिए गए एड्रेस पते पर। तो फिलहाल इस वैकेंसी में इतना ही।